Dear students, good evening. This is our third video lecture and today's first topic is contribution of Thomas Hunt Morgan in genetics. Now we have completed the Mendelian genetics over here in this chapter. Ab hum ek naye scientist ka contribution study karenge genetics mein, jinka naam hai Thomas Hunt Morgan. Aur उनकी केस स्टडी क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे मेंडल की केस स्टडी गार्डन पी प्लांट थी पाइसम सैटिवम, उसी तरह थॉमस हंट मॉर्गन ने पी एक ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च किया था. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट ऑर्गेनिज्म आल्सो एंड द रीजन व्हाई थॉमस हंट मॉर्गन हैड सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स. Now, जो थॉमस हंट मॉर्गन है उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं बिकॉज ही हैज कंडक्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव मैनी थियोरीज जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप्स. ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने हैं. पॉइंट नंबर टू, ही डिस्कवर्ड the basis of variation due to sexual reproduction. Now you know that the root cause of variation in sexually reproducing organism lies in the sexual reproduction. Lekin Morgan se pehle kisi ko bhi pata nahi tha ki variation ka root cause kya hai. Morgan ne sexual reproduction mein jo meiosis hota hai usko study kiya aur fir usne discover kiya ki वेरिएशन का रूट कोस क्या है. पॉइंट नंबर थ्री, मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज एंड डिस्टिंग्यूस्ड लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स. लिंकेज मॉर्गन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में और इस थियोरी के बेसिस पर मॉर्गन ने दो टाइप के जीन्स डिस्टिंग्यूश किए. एक को कहते हैं लिंक्ड जीन्स और एक को कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स. लिंकेज कंसेप्ट हम डिटेल में फ्यूचर में स्टडी करेंगे. कंट्रीब्यूशन नंबर फोर, मॉर्गन और कैसल इन दोनों ने मिलके क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज प्रपोज किया था. व्हाट इज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज? अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं. और जीन्स क्रोमोसोम पे कैसे लोकेटेड होते हैं? तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन. मतलब जीन्स एक सीधे लाइन में क्रोमोसोम पे अरेंज होते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर फाइव, मॉर्गन प्रपोज्ड कायस्माटा टाइप हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट इज कायस्माटा टाइप हाइपोथेसिस? जो कायस्माटा टाइप हाइपोथेसिस है उसमें मॉर्गन ने यह प्रपोज किया कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कायस्माटा की वजह से होता है. मतलब क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कायस्मा फॉर्म होता है जो आपने लास्ट ईयर सेल डिवीजन मियोसिस में पढ़ा होगा. सो कायस्माटा कॉसेस क्रॉसिंग ओवर. द सिक्स्थ कंट्रीब्यूशन, मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट इन 1911 they found that the frequency of crossing over between the two linked genes is directly proportional to the distance between the two. Now, linked genes का मतलब होता है कि दो genes एक ही chromosome पे है और एक दूसरे से connected है, मतलब कि linked है. अब connection ऐसा है कि अगर वो crossing over में exchange हुई तो हम उसे linked नहीं कहेंगे और अगर वो crossing over में exchange हो गई तो हम उसे लिंक्ड, सॉरी फिर से रिपीट करता हूं, अगर वो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुई तो हम उसे नॉन लिंक्ड या अनलिंक्ड जीन कहेंगे और अगर वो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज नहीं हुई तो हम उसे लिंक्ड जीन कहेंगे. तो अब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स. अगर दो लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा और अगर दो लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम रहा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा. इन अनदर लैंग्वेज, जीन्स जितने पास होते हैं उनका डिस्टेंस उतना ही कम होता है और क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होता है.
और दो जींस जितने दूर होते हैं उनका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है और क्रॉसिंग ओवर भी उतना ही ज्यादा होता है, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर 7, मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था। ही वर्कड ऑन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो जीन्स को इनहेरिट करना अपने पेरेंट्स से जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। अब सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, तो वो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होती है जो हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं वो जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं और उस इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सबसे पहले मॉर्गन ने स्टडी किया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नाम के एक इंसेक्ट के एक्स क्रोमोसोम पे स्टडी किया था और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था। नाउ अब ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है उसके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब है ना, जो मैन मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे रिसर्च किया था, ड्रोसोफिला में जो मेल होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और जो फीमेल होती है जो वो एक्स एक्स होती है हमारी तरह ही। अब जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो मेल में भी है और फीमेल में भी है, लेकिन वाई सिर्फ मेल में है फीमेल में नहीं है। तो हम वाई के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें एक्स के बारे में डिस्कशन करना है बिकॉज एक्स मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। अब पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे होता है कि मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है और मेल अपना वाई तो अपने सन को देता है लेकिन मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो अपनी डॉटर को जाता है, वो उसकी डॉटर को जाता है। तो मेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं और 50% स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। और फीमेल में जब ओजेनेसिस होता है, ओवा बनने की प्रोसेस, तो फीमेल में सारे ओवा एक ही जैसे होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं। तो अगर मेल ने अपना एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन, अपने एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में दिया तो मेल का एक्स और फीमेल का एक्स, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगी। और अगर मेल ने अपना वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन में दिया तो मेल का वाई और फीमेल का एक्स, तो वो मेल इंडिविजुअल होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेल है उसका एक्स सिर्फ उसकी बेटी को जाता है। अब फीमेल का, फीमेल के पास दो एक्स है, तो अगर बेटा होने वाला है तो बेटे के पास जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो उसकी मम्मी से आएगा। तो इन शॉर्ट कहने का लॉजिक ये है कि एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल पास टू इट्स डॉटर, मतलब मेल टू फीमेल जा रहा है, और एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल पास टू इट्स सन, मतलब वो फीमेल टू मेल जा रहा है। तो जब कोई जीन मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जाती है तो हम उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है वो भी मॉर्गन का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मॉर्गन ने जीन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस भी प्रपोज किया था। नाउ व्हाट इज दिस जीन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस? बहुत सिंपल है। जीन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे ही होते हैं और स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे भी स्पेसिफिक पोजिशन पे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम ह्यूमन स्पीशीज लेते हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है और एक जीन है जिसका नाम है एक्स और वो लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो जितने भी ह्यूमंस इस अर्थ पे है वो सारे ह्यूमन में वो जीन एक्स क्रोमोसोम 1 पे ही होगा, ये उसकी फिक्स क्रोमोसोम नंबर है। और क्रोमोसोम नंबर 1 पे भी वो कहां होगा वो भी फिक्स होता है इन ऑल द स्पीशीज और इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स राउंड द वर्ल्ड। तो इसको कहते हैं जीन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ द लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इज ही प्रोड्यूस्ड स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रुएटवेंट, ब्रिजेस एंड मुलर। ये तीनों भी एक फेमस जीनेटिस्ट है और मॉर्गन के स्टूडेंट्स है। इन्होंने भी जीनेटिक्स में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। इनके काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हम इस चैप्टर में फ्यूचर में देखेंगे। सो दिस आर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनेटिक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जीनेटिक्स। एंड
जो मॉर्गन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टोटली क्रोमोसोम पे बेस्ड है. हमें अब मेंडल ने जो जीन्स पे स्टडी किया था उसकी जो उसका जो साइंस है जिसे हम स्टडी करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं, और क्रोमोसोम की स्टडी वाला जो साइंस है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. अगर हम क्रोमोसोम को जीन्स के साथ जोड़ते हैं तो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे. और अब हम इस चैप्टर में मॉर्गन के जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इट कम्स अंडर अ फील्ड नॉन एज साइटोजेनेटिक्स. Now our next topic is Drosophila as experimental material. अब जो मॉर्गन जो मेंडल थे उन्होंने पाइसम सैटिवम गार्डन पी प्लांट को अपना स्टडी मटीरियल स्टडी स्पेसिमेंट सिलेक्ट किया था. सिमिलरली जो थॉमस एंट मॉर्गन है उन्होंने अपना जो स्पेसिमेन मटीरियल है उसमें ड्रोसोफिला नाम के एक छोटे से इंसेक्ट को सिलेक्ट किया है. ड्रोसोफिला का कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है. यह आपको जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर उड़ती हुई छोटी सी एक फ्लाई आपको दिखेगी. ड्रोसोफिला का पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर. उसको कॉमनली कहते हैं फ्रूट फ्लाई. ये एक आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है जिसको मॉर्गन ने यूज किया है. अब जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है उसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. उसका रीजन है कि ड्रोसोफिला पे स्टडी करते करते मॉर्गन ने काफी बड़े अचीवमेंट्स अचीव किए थे. काफी नई नई चीजें उन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए जेनेटिक्स के लिए ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करना ही एक बहुत बड़ा जैकपॉट है. तो अब हमें स्टडी करना है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया. ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने का फर्स्ट रीजन है इट इज इजीली अवेलेबल. ड्रोसोफिला आपको किसी भी फ्रूट जैसे मैंगो बनाना चीकू इन सब के ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी. ये इंसेक्ट फ्रूट के ऊपर क्या करती है, जो मैच्योर पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ईस्ट सेल होते हैं ईस्ट होते हैं. ये फ्लाई उन ईस्ट को फीड करती है. ये फ्लाई को रेयर करना बहुत इजीली है. दे कैन बी इजीली रेयर. यू कुड रेयर दिस फ्लाई ऑन अ बोटल कंटेनिंग सम फ्रूट्स एंड ईस्ट कल्चर. तो एक छोटी सी बोटल आपको लेनी है. कॉनिकल फ्लास्क चलेगा, बीकर चलेगा. कॉनिकल फ्लास्क इजी रहता है बिकॉज उसका माउथ नैरो होता है और बेस ब्रॉड होता है. तो आप नैरो माउथ पे कॉटन प्लग लगा के इन फ्लाइज को ट्रैप कर सकते हो. बीकर का माउथ थोड़ा ब्रॉड रहता है. तो कॉनिकल फ्लास्क में आप क्रस्ट बनाना या कोई भी क्रस्ट मैच्योर फ्रूट डाल के उसमें ईस्ट कल्चर डाल के इन फ्लाइज को इजीली रेयर कर सकते हो. ये फ्लाई उस मीडियम में आके एग्स ले करेगी और एग्स में से जो नए फ्लाइज आपको बहुत सारे मिल सकते हैं. तो इट कुड बी इजीली रेयर्ड. न्यू जनरेशन कैन बी रेयर्ड विद इन 2 वीक्स. दैट मीन्स के आपको न्यू जनरेशन के लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है. 2 वीक में नई जनरेशन को आप रेस कर सकते हो. दैट मीन्स के एवरी 2 वीक्स ट्वाइस अ मंथ यू कैन प्रोड्यूस न्यू जनरेशन. और जनरेशन टू जनरेशन जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसे स्टडी करना इजी हो जाता है. एंड फोर्थ बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसर्स हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जो एक मेटिंग होती है उसमें इतने सारे नए ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं कि आपका जो सैंपल साइज होता है स्टडी का. सैंपल साइज मींस आप जब रिसर्च करते हो तो आपके पास काफी सारे स्पेसिमेंस होने चाहिए. जैसे मेंडल भी अपने सैंपल साइज में बहुत बिलीव करता था. वो थाउजेंड्स ऑफ सीड पे एट ए टाइम स्टडी करता था. तो यहां पे भी सेम चीज है. सिंगल मेटिंग से बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिसपे आप इजिली रिसर्च कर सकते हो. अब जो ड्रोसोफिला है वो यूनिसेक्सुअल फ्लाई है. मतलब के मेल और फीमेल इंडिविजुअल
अलग अलग है। अब मेल और फीमेल में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी है, उसमें दो क्राइटेरियाज है डिस्टिंग्विश करने के। एक क्राइटेरिया है साइज, जो मेल होते हैं वो फीमेल से साइज में छोटे होते हैं। और सेकेंड क्राइटेरिया है ओविपोजिटर, फीमेल के रेयर एंड पे एक ओविपोजिटर होता है जो एग ले करने में हेल्प करता है, मेल में वो नहीं होता है। तो इन दो के बेसिस पर आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो ये दो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, फीमेल इज लार्जर इन साइज और फीमेल हैज ओविपोजिटर एट इट्स एंड। मेल में ये दो चीजें नहीं है, मेल छोटा स्मॉलर है साइज में और मेल के पास ओविपोजिटर नहीं होता है। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट जो फ्रूट फ्लाई का पॉजिटिव पॉइंट है वो कि उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काफी कम है। अगर किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो फिर इतने सारे क्रोमोसोम्स पे स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं तो उस पे स्टडी करना इजी हो जाता है। हमारे ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट मींस के ओनली 8 क्रोमोसोम्स है, दे आर वेरी मच लेस इन कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। तो उस पे स्टडी करना इजी हो जाता है। सो फ्रूट फ्लाई पोसेस ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हम मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो मेल है उनके पास 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 4 पेयर्स मतलब 8, जिसमें से 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही होते हैं, और ऑटोसोम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए, और डिप्लॉयड होता है हर, और ये सारे एनिमल्स डिप्लॉयड होते हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए ए। और बाकी के दो क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो मेल के केस में 6 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई, और फीमेल के केस में 6 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज एक्स एक्स। तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नाउ 6 ऑटोसोम्स, ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं तो हमें दो बार ए लिखना है। दो ए मींस देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, प्लस एक्स वाई। तो दिस इज हाउ मेल इज रिप्रेजेंटेड, और जो फीमेल है उसके पास भी 6 ऑटोसोम्स होंगे। अब दो सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज एक्स एक्स, दिस इज हाउ फीमेल इज रिप्रेजेंटेड। तो ये जो 6 ऑटोसोम्स है वो मेल और फीमेल में सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। नाउ वन मोर बेनिफिट ऑफ ड्रोसोफिला इज दैट ड्रोसोफिला के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है, बहुत ही जायंट क्रोमोसोम होता है, उसे कहते हैं पॉलिटिन क्रोमोसोम। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिन क्रोमोसोम। पॉलिटिन क्रोमोसोम ऑकर्स इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वे, विच कैन इंडिकेट एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मालिटीज। अब पॉलिटिन क्रोमोसोम मैं आपको एक अलग से ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्टरी बता देता हूं कि पॉलिटेन क्रोमोसोम क्या होता है। पॉलिटेन क्रोमोसोम जो डायप्टेरियन फ्लाई होती है, जैसे हमारी जो ड्रोसोफिला है वो डायप्टेरा, वो एक डायप्टेरन फ्लाई है जिसके पास दो विंग्स होती है, वो डायप्टेरन होती है। काफी सारे डायप्टेरन ऑर्गेनिजम्स के सलाइवरी ग्लैंड में एक जायंट क्रोमोसोम होता है जिसे पॉलिटिन क्रोमोसोम कहते हैं। ये पॉलिटिन क्रोमोसोम में डीएनए के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं, क्रोमोसोम के बहुत सारे क्रोमेटिड्स होते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स के कुछ सेल्स में डीएनए कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट कर रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। आपने सेल साइकिल लास्ट ईयर स्टडी किया था, उसमें जो एस फेस होता है सेल साइकिल का, इंटरफेस का, तो इंटरफेस के एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। और अगर डीएनए रेप्लिकेट कर देता है तो फिर
हमारा जो जीनोम है वो डबल हो जाता है, और फिर इस डबल जीनोम को वापस नॉर्मल करने के लिए सेल को डिवाइड करना ही पड़ता है। लेकिन पॉलिटन क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लीकेट तो करता है बट सेल डिवाइड नहीं करता है, और डीएनए कंटिन्यूअसली रेप्लीकेट करता है, तो डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड्स कलेक्ट हो जाते हैं और वो एक जायंट क्रोमोसोम बनाता है जिसे पॉलिटन क्रोमोसोम कहते हैं। पॉलिटन क्रोमोसोम हमेशा इंटरफेस के एस फेस में ही रहता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है, इसलिए सेल डिवाइड होता ही नहीं है। अब पॉलिटन क्रोमोसोम का बेनिफिट क्या है? पॉलिटन क्रोमोसोम का यह बेनिफिट है कि उसमें डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से डीएनए की काफी सारी कॉपीज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जीन्स की भी काफी सारी कॉपीज क्रिएट होती है, तो आपके पास एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज आपको वहां पे मिल जाएगी, जिसपे आप स्टडी करके एबनॉर्मालिटीज को फाइंड कर सकते हो। और बहुत सारी कॉपीज ऑफ जीन्स प्रेजेंट होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है जीन्स की, वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज पॉलिटन क्रोमोसोम। तो ये भी ड्रोसोफिला का एक बेनिफिट है। वन मोर पॉजिटिव पॉइंट अबाउट ड्रोसोफिला इज दैट द ब्रीडिंग ऑफ ड्रोसोफिला इज क्वाइट चीप एंड कैन बी डन ऑल थ्रू आउट द ईयर। ड्रोसोफिला का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है, ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअसली की जा सकती है, और ब्रीडिंग करना क्वाइट चीप होता है। चीप इन द सेंस कि आपको कोई स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करने हैं ब्रीडिंग के लिए। जो हमने जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट और फ्रूट्स वाला जो मिक्सचर प्रिपेयर किया था जिसमें हम ड्रोसोफिला को रेयर करते हैं, वहीं पे वो ब्रीड करके वहीं पे एग्स ले कर देती है, और वो एग्स में से लार्वे आते हैं, तो और वो लार्वे फिर एडल्ट होके फ्लाइज बन जाते हैं। तो उसका जो ये ब्रीडिंग प्रोसीजर है वो काफी सिंपल है। सो दिस आर ऑल द रीजंस कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को अपना केस स्टडी के फॉर्म में सिलेक्ट किया था। तो नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि मॉर्गन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें से काफी सारे कंट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा न्यू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट एंड बोर्ड एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। उसे हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज मॉर्गन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाउ व्हाट इज लिंकेज? तो सी द डेफिनेशन। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज। मींस कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन बिना चेंज हुए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। वो जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आते, वो एज इट इज रहते हैं, और वो एज इट इज काफी सारी जनरेशन तक इनहेरिट होते रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर वो जीन्स में चेंज आया तो क्या? अगर वो जीन्स में चेंज आया तो हमारा अपीरियंस हमारे पेरेंट्स से काफी अलग हो जाएगा, और मे बी पॉसिबल के हम हमारे पेरेंट्स से इतने अलग दिखने लग जाए कि हमारी स्पीशीज ही भी चेंज हो सकती है। पर ऐसा बहुत इजीली और जल्दी नहीं होता है, इसमें काफी टाइम लगता है। तो ये जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, एज इट इज जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते हैं विदाउट एनी चेंज। तो अगर कोई जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम उन्हें कहते हैं लिंक जीन्स, और अगर कोई जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। नाउ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, एंड प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन्स। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। अब लिंकेज की जो सबसे पहली डिस्कवरी थी वो बैटसन और प्यूनेट ने 1906 में की थी इन स्वीट पी प्लांट, जिसका नाम है लैथिरस ऑडोरेटस। लेकिन बैटसन और प्यूनेट के पास
लिंकेज का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। जब भी साइंस में कोई चीज हम नई डिस्कवर करते हैं, नया कंसेप्ट लाते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। लेकिन बैटसन और ट्यूनेट के पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। हमें लिंकेज का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था इन द ईयर 1910। थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मतलब के फ्रूट फ्लाई पे काफी सारे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उसने लिंकेज को प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, और उसकी डेफिनेशन भी हमें दी थी जो हमने लास्ट स्टार्टिंग में देखी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज। अब जो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज है वो मॉर्गन और कैसल ने हमें 1911 में प्रपोज किया था। उसके काफी सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिंक जीन्स ऑकर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, लिंकेज के डेफिनेशन में। लिंक्ड जीन्स हम उन्हें कहते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे होती है। अगर कोई जीन दूसरे क्रोमोसोम पे है तो वो लिंक्ड कैसे हो सकते हैं? इसका फॉर एग्जांपल आपके घर में जितने फैमिली मेंबर्स आपके हैं वो सारे लिंक्ड है, राइट? सपोज आपके घर पे 5 फैमिली मेंबर्स है और आपके पड़ोसी के घर पे 7 फैमिली मेंबर्स है, 7 मेंबर्स रहते हैं, तो आपके घर के जो 5 मेंबर्स है वो 5 मेंबर्स लिंक्ड माने जाएंगे क्योंकि वो एक ही घर पे रहते हैं। सिमिलरली एक ही क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होते हैं सबको हम लिंक जीन्स कहते हैं। अब आपके जो पड़ोस में जो फैमिली रहती है उसमें जो 7 मेंबर्स है वो 7 एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन वो 7 आपसे लिंक्ड नहीं हो सकते क्योंकि आप दोनों का घर अलग है। तो सिमिलरली दूसरे क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स है वो सारे लिंक्ड है, लेकिन फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकेंड क्रोमोसोम के जीन्स लिंक्ड नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो क्रोमोसोम की वो जीन्स की पोजीशन बताता है क्रोमोसोम पे। जैसे आपके घर में आप स्पेसिफिकली आपके रूम में रहते हो, एक किचन होता है जिसमें खाना बनता है, आप आपके रूम में रहते हो तो एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहां पे स्पेसिफिक काम होते हैं। उसी तरह हमारे क्रोमोसोम में भी जीन्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। जीन्स हमारे क्रोमोसोम में लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, मतलब एक सीधे लाइन में सारे जीन्स आए होते हैं ऑन द क्रोमोसोम। अब थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोमल थियोरी का कि देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर क्रॉसओवर। अब देखो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है तो हमें वेरिएशंस तो आते ही है। और व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन? द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस के टाइम पे होता है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, हमने कल भी मियोसिस स्टडी किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने मियोसिस को स्टडी किया था। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जीन्स। लेकिन मान लो कि एक क्रोमोसोम पे 100 जीन्स है, क्रोमोसोम पैर में होते हैं तो 100 जीन्स के 200 एलील्स होंगे, तो 100 एलील एक होमोलोगस पे होंगे और बाकी के 100 एलील दूसरे होमोलोगस पे होंगे। अब वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनमें जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो मेजॉरिटी ऑफ जीन्स एक्सचेंज नहीं होते, मतलब कि वो क्रॉसिंग ओवर करते ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ जीन्स अपना जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन टूट जाएगा और नया कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर चलता है तो मेजॉरिटी ऑफ जीन्स अपना पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है वो जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं। हाँ, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनका हो जाता है क्रॉसिंग ओवर और वो क्रॉसिंग ओवर से न्यू कॉम्बिनेशन अराइज होता है जिससे हमें वेरिएशन आते हैं।
पर ऐसे करने वाले जीन्स बहुत ही कम होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि कभी कभी तो नेग्लिजिबल होते हैं। अब क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज का फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ लिसन केयरफुली, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज two linked genes shows high frequency of crossover if the distance between them is higher and lower frequency if the distance is small. ab maine ye point samjhane se pehle aap linkage ka ek concept samjho. linkage aur crossing over dono ek dusre ke opposite hote hain. linkage ka matlab hota hai ki koi bhi do genes crossover karna hi nahi chahte, wo apne chromosome pe jaise the jahan the waise hi rehna chahte hain. अब इसको टेक्निकली कहते हैं कि वो जीन्स अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं. अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे और पेरेंटल कॉम्बिनेशन टूट जाएगा. तो अगर कोई जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करते तो हम, और वो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, तो हम उन्हें लिंक्ड जीन्स कहते हैं. अब जो, और इस फिनोमिन को लिंकेज कहते हैं. अब लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो दो जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे है उनमें कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है. अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ, ओके, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो दोनों में अट्रैक्शन अच्छा रहेगा और दोनों क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे. तो सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड अलग तरह से, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा. डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा. तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर से देखो, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो लिंकेज ज्यादा होगा और क्रॉसिंग ओवर कम होगा. डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा. डिस्टेंस कम, क्रॉसिंग ओवर कम. डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. डिस्टेंस कम, क्रॉसिंग ओवर कम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. अब सेकेंड थॉट में, अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी कम हो जाता है. तो डिस्टेंस ज्यादा होने से लिंकेज वीक हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा. तो डिस्टेंस ज्यादा, लिंकेज कम. डिस्टेंस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा. तो ये डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज ग्रुप. नाउ व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? Genes that are present on the same chromosome makes one linkage group. इसका मतलब यह होता है कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होते हैं, लाइक एन नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, तो वो सारे जीन्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको लिंकेज ग्रुप कहते हैं. ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे आपके घर पे आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स है तो वो 10 के 10 लिंक्ड है और वो सब मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. ओके, सो एंड दे इनहेरिट टुगेदर एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर. अब एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स है वो सब मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये सारे के सारे जीन्स जो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं वो एज इट इज इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इस लिंकेज ग्रुप में थोड़ा छोटा चेंज आ सकता है. ओके, अबे ना, एक पॉइंट अच्छे से समझो. जो लिंकेज ग्रुप होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम में कितने जीन्स प्रेजेंट है वो मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाता है. अब हमारे, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम पैर में होते हैं और जीन्स भी पैर में होते हैं जिनको हम एलील्स कहते हैं.
लेकिन जब हम लिंकेज ग्रुप को स्टडी करते हैं तो हमें डिप्लॉइड या पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को कंसीडर नहीं करना है. सपोज एक क्रोमोसोम के दो होमोलोगस है, दो एक क्रोमोसोम जो एक होमोलोगस जो पेयर होता है उसमें दो क्रोमोसोम है. ह्यूमन बींग्स में ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. ओके, अब एक होमोलोगस पेयर में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो भी सेम ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाउ सपोज यहां पे मैं दो क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं और दोनों होमोलोगस है. ये दोनों वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दोनों के दोनों होमोलोगस है. ऐसे 23 पेयर्स हम ह्यूमंस में होते हैं. ठीक है, वो 23 पेयर में से हम कोई भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं. नाउ व्हाट डू क्रोमोसोम हैव? क्रोमोसोम हैव जीन्स प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकस एंड इन अ लीनियर फैशन. अब सपोज मैं इन दो में से एक के जीन्स यहां पे लिखता हूं, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई, एफ, जी, एच, आई. तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे जीन्स हैं. जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं वो रिसेसिव जीन्स हैं. अबे ना, ये नाउ क्रोमोसोम जैसे पैर में होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, वैसे जीन्स भी तो पैर में होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में. अब ये जितने भी जीन्स होते हैं उनके एलील होमोलोगस सेकेंड पैर पे होता है. अब ये क्रोमोसोम का होमोलोगस ये वाला है तो इन जीन्स के एलील उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे. तो ये जो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल ई कैपिटल एफ कैपिटल जी स्मॉल एच एंड स्मॉल आई, ये सारे एलील्स है, ये सब जीन्स के एलील्स है. अब जब हम लिंकेज ग्रुप की बात करते हैं तो इस वाले क्रोमोसोम में जो जीन्स है सेकेंड क्रोमोसोम पे उसी के एलील्स है, तो सारे जीन्स को हम दो बार इंक्लूड नहीं कर सकते. तो जब हम लिंकेज ग्रुप की बात करते हैं तो ये सेकेंड क्रोमोसोम को हम इग्नोर कर देते हैं. तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो वो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होगी वो भी तो सेम ही होगी. तो 23 पेयर्स में से कोई भी एक 23 का सेट हम इग्नोर कर देते हैं और दूसरा 23 का सेट ही हम रखते हैं. तो ये जो क्रोमोसोम है इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीन्स प्रेजेंट है और ये मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाता है. अब आप यहां पे ये नहीं कह सकते हो कि ये दोनों मिलके दो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं बिकॉज जीन्स तो सेम ही है. तो ये दोनों मिलके सिर्फ एक ही लिंकेज ग्रुप बनाते हैं. तो अगर आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हर क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे वो एक ही लिंकेज ग्रुप बनाएंगे. तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो लिंकेज ग्रुप 23 ही होंगे, 46 नहीं होंगे. ओके, इन शॉर्ट आपको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होते हैं लिंकेज ग्रुप भी उतने ही होते हैं. So, मैंने आपको बताया था कि हमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही कंसीडर करना है. हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो उसका हैप्लॉइड 23 होता है, तो हमारे पास लिंकेज ग्रुप होंगे 23. नाउ ऑन दिस बेसिस ड्रोसोफिला, व्हाट आर द डिप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. सो डिप्लॉइड नंबर 4 पेयर्स मतलब के 8 है, तो हैप्लॉइड नंबर कितना होगा? 4. तो लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा? 4. सो ड्रोसोफिला में टोटल 4 लिंकेज ग्रुप्स है. अब गार्डन पी, मेंडल ने जिस गार्डन पी पे रिसर्च किया था उस पे 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं.
तो डिप्लॉइड नंबर 7 पेयर है तो हैप्लॉइड नंबर सिर्फ 7 होगा, तो लिंकेज ग्रुप भी सिर्फ 7 ही होंगे। अब न्यूरोस्पोरा फंगस है, गेस करो न्यूरोस्पोरा में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं? न्यूरोस्पोरा में 7 क्रोमोसोम ही है और ये उसका कौन सा होगा, डिप्लॉइड के हैप्लॉइड? गेस करो, फंगस का जो बॉडी होता है, फंगस की जो माइसीलियम होती है या थैलस होता है वो हैप्लॉइड होता है। फंगस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है, तो फंगस की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए फंगस में क्रोमोसोम्स कभी भी पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहां जो हम 7 पेयर्स लिखते थे, न्यूरोस्पोरा फंगस में सिर्फ 7 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो फिर उनके लिंकेज ग्रुप कितना होगा? लिंकेज ग्रुप भी 7 ही होगा, क्योंकि हमें पेयर में तो लेना ही नहीं होता है लिंकेज ग्रुप में। अब जो म्यूकर है, म्यूकर के पास, म्यूकर भी फंगस है तो वो भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, तो म्यूकर के पास 2 क्रोमोसोम्स है तो उसका लिंकेज ग्रुप भी 2 ही होगा। नाउ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई बैक्टीरिया? गेस करो, मैं आपको टाइम देता हूं, गेस करो। ऑप्शंस भी देता हूं, A1, B2, C3, D4। ओके, सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ई कोलाई? द आंसर इज इन ईच एंड एवरी बैक्टीरिया, सिर्फ ई कोलाई नहीं, कोई भी बैक्टीरिया ले लो, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट विल बी 1, बिकॉज डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए और वो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो हमारा जो एक डीएनए है उसको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वही क्रोमोसोम है और जो क्रोमोसोम है वही डीएनए है, तो बैक्टीरिया के पास जो एक डीएनए होता है वो मिलकर एक क्रोमोसोम बनाता है। तो लिंकेज ग्रुप भी एक ही होगा। एंड इन द केस ऑफ ह्यूमंस हम लोग डिप्लॉइड है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो लिंकेज ग्रुप विल बी 23 लिंकेज ग्रुप्स। सो इस तरह से आप लिंकेज ग्रुप को फाइंड कर सकते हो। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उनके अलावा भी कोई और एग्जांपल दे सकते हैं कि एक्स वाई जेड एनिमल में 50 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप कितना? तो 50 पेयर मतलब डिप्लॉइड, तो उसका हैप्लॉइड होगा 25, तो लिंकेज ग्रुप है 25। ऐसे आपको फाइंड करना है। और लिंकेज ग्रुप में लास्ट, किस क्रोमोसोम का लिंकेज ग्रुप सबसे बड़ा होगा? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में 23 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप 23 है। तो इस 23 लिंकेज ग्रुप में से कौन सा लिंकेज ग्रुप सबसे बड़ा होगा वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम की लेंथ पे। अब जिस क्रोमोसोम का लेंथ सबसे बड़ा है उस पे नंबर ऑफ जीन्स भी ज्यादा है तो वो लिंकेज ग्रुप सबसे बड़ा होगा, और जो क्रोमोसोम सबसे छोटा है उसमें नंबर ऑफ जीन्स भी कम होगी और वो लिंकेज ग्रुप छोटा होगा। नाउ ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम नंबर 1। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ह्यूमन बीइंग्स में वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और उस पे सबसे ज्यादा जीन्स आए हैं, 2969 जीन्स। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो लिंकेज ग्रुप है वो सबसे बड़ा है बिकॉज उसके पास मैक्सिमम जीन्स है, और ह्यूमन बीइंग्स में सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ 231 जीन्स ही प्रेजेंट है, तो वाई क्रोमोसोम का जो लिंकेज ग्रुप है वो सबसे छोटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं।
आज जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए दे आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, प्लीज उसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए आपकी नोटबुक में और अच्छे से लर्न कीजिए. नाउ टुमोरो जो हमारा कल का वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिंकेज ग्रुप, टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ये सब टॉपिक्स हम कल स्टडी करने वाले हैं. सो गुड बाय फॉर टुडे. थैंक यू.